सभी को जय हिंद जय भारत। इस फोटो में जो आपको शख्स नजर आ रहा है उसकी अब की अगर आप हेल्थ देखोगे तो यकीन नहीं कर पाओगे। दूसरा आपको बता दूं, इस बंदे ने दौड़ के मामले में 1.5 महीने मेहनत करके वो चीज़ हासिल की है जो शायद आपके साथ समस्या हो तो आप उसके लिए कतरा जाओ। अभी फिलहाल जो है असम राइफल के जो हैं फिजिकल चल रहे हैं और फिजिकल लगातार बच्चे क्लियर कर रहे हैं। आपको जैसा कि पता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वीर फौजी डिफेंस एकेडमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये फिजिकल तैयार करो ना। मुकेश पारिक हो गया, जयराम हो गए, या फिर सुभाष हो गया, या फिर कुलदीप सेन हो गया, देवेंद्र ने जिसने कि गुजरात पुलिस में रेस कंप्लीट किया, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार रेस क्लियर कर रहे हैं। लेकिन इस शख्स से आपको बहुत अच्छी चीज़ जो है सीखने को मिलेगी दौड़ के मामले में। सभी को जय हिंद जय भारत। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि दौड़ करने वालों के साथ ऐसा होता है कि बार बार उन्हें उल्टियों की शिकायत रहती है, बार बार उल्टी हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे असम राइफल के बारे में। पहले क्या नाम है अपना? सर मेरा शुभ नाम कपिल यादव है। कपिल यादव। और इससे पहले मतलब घर पे रहता था तो ये लगा लो मार्केट में निकल गए, कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया और रूटीन कुछ था नहीं भागने दौड़ने का, बस मन में आ गया तो कभी दौड़ कर ली। सबसे पहले तो यहाँ के थोड़ा सा रूटीन एक शेड्यूल बना खाने पीने का सही शेड्यूल, तो उससे जो अंदर कचरा भरा था शरीर में कुछ भी लगा लो आप, तो वो भी क्लियर हुआ। और दौड़ के टाइम काफ़ी उल्टी आई क्योंकि अंदर से सिस्टम जो खुलता है तो वाली बात है कि भाई हमें सोचता रहा पर सर ने कहा कि भाई चलते रहो। बिल्कुल। तो बस वही सिस्टम था और 5 किलोमीटर की मैंने रन पूरी की। और कितना टाइम आया 5 किलोमीटर का? सर वहाँ पे 23 मिनट के ग्रुप में मैं एंटर हो गया था, मेरे बाद भी करीब 15 या 16 बच्चे और आए थे उसके बाद। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है कई बार समस्या ये रहती है कि हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं और दौड़ते हुए उल्टियाँ हो जाती है, और यही सिस्टम जो है कपिल के साथ में था। जब भी दौड़ की तब तब उल्टी हुई? हाँ सर बिल्कुल। ऐसा मतलब एक पूरा 400 का राउंड गया ही नहीं जिसमें उल्टी ना होती हो, हर राउंड में उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी। लेकिन हम घर पे क्या करते हैं, जैसे ही उल्टी हुई तो उसके लिए हम भागते हैं सीधा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास सीधा सा इलाज है, दवाई दे दी आपको, रेस्ट करो, आप ये खाओ वो खाओ। ऐसा कुछ नहीं है, अपना 7 दिन का पहले तो खाने पीने का शेड्यूल फिक्स करो, उसके बाद में उल्टी हो रही है होने तो कोई दिक्कत नहीं है, करी उल्टी दौड़ते रहो, करी उल्टी दौड़ते रहो। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, जब आया था तब 400 मीटर का भी एक राउंड हो पाता था पूरा, लेकिन उसके बाद में 1600 मीटर 3 किलोमीटर नहीं पूरी 5 किलोमीटर जो है 23 मिनट वाले ग्रुप में कंप्लीट किया है असम राइफल की। और असम राइफल के 7-8 बंदे जिन्होंने रेस क्लियर की है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन कपिल का इसलिए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ क्योंकि जो उल्टी वाली समस्या थी वो कपिल के साथ में थी। दूसरा, अभी किस कौन से फिजिकल की तैयारी कर रहे हो जब असम राइफल की हो गया तो फिजिकल? सर अब सशस्त्र सीमा बल का हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का। अच्छा अच्छा। और उसमें भी सेम प्रोसीजर है, रनिंग है, फिर उसके बाद टाइपिंग है, फिर रिटन एग्जाम। तो अभी घर नहीं जाना एक हो गया तो? नहीं सर, अभी बस यहाँ थोड़ा शेड्यूल बन गया, घर जाती शेड्यूल बिगड़ जाता है। अच्छा एक बात और बताओ कि 5 महीने की जो दौड़ निकाली जीरो से स्टार्ट किया तो कितना टाइम लग गया कवर करने में? सर मेरा स्टार्टिंग मतलब यहाँ वैसे ही नोट किया था 32-33 मिनट कुछ था। अच्छा। नवंबर 8 को मैं आया था और 21 दिसंबर को मेरा फिजिकल हो गया और निकल गया आसानी से। तो ये आप अगर एक समस्या, सबसे बड़ी उल्टी वाली समस्या थी इनके साथ। दूसरा, आर्मी में जो है क्या नाम है उसका, आर्मी में जिसने रेस मारी है? सर जयराम। जयराम ने जो है एडी सेंटर आर्मी की रेस कंप्लीट की है। इसके अलावा सचिन गुजर ने जो है आर्मी की रेस कंप्लीट की है। और सचिन गुजर जो है उसकी भी एक खासियत बता दूं कि जो उसने इस ग्राउंड पे जो लास्ट टाइम दिया था वो 5:45 था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी रेस क्लियर हुई है। तो इन दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिलेशन के ये 2 बच्चे थे और 7-8 जो ये असम राइफल के थे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेहनत करते रहो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली, 2 महीने 1 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन 1600 मीटर के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आने वाली भर्तियों में आपके भी सिलेक्शन हो, और बहुत जल्द जो है अगर ये 15 दिन में फैसला हो जाएगा लॉकडाउन होगा कि नहीं, और सरकार की तरफ से भी यही है कि होगा तो मुश्किल से 15 दिन का लॉकडाउन, इससे ज़्यादा संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होने वाला है। तो आप भी अपनी सेफ्टी भी रखें और इसके साथ में अपनी रेस की भी तैयारी बराबर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि भर्तियाँ आ जाए और तुम हर साल की तरह रोते रहो कि अब देखेंगे अब देखेंगे। इसलिए लगातार मेहनत करते रहो, और ऐसी जगह हो तो यहाँ तो कोविड का कोई नामो निशान नहीं आ सकता। सही बात है। लव यू ऑल। जय हिंद जय भारत।